नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मुकेश सहनी महागठबंधन से अलग हो चुके हैं, नए ठिकाने की तलाश में हैं। ऐसे में क्या मुकेश सहनी की हत्या हो सकती है? दरअसल इसका खुलासा हुआ है एक चिट्ठी से, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखी गई है, और लिखने वाले हैं छोटे सहनी, जो कि पार्टी में बड़े पद पर हैं। आपको बता दें कि इस चिट्ठी में मुकेश सहनी की जान को खतरा बताया गया है। यह कहा गया है कि जिस तरीके से मुकेश सहनी महागठबंधन से अलग हुए हैं, उनके दुश्मन खड़े हो गए हैं और उनकी हत्या भी हो सकती है। ऐसे में क्या तेजस्वी यादव साजिश रचने वाले हैं? ये सवाल उस चिट्ठी में, जो कि मुकेश सहनी की पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखी है। तस्वीरें सामने हैं आपकी उसी चिट्ठी की, जिसमें यह कहा गया है कि मुकेश सहनी जिस तरीके से महागठबंधन का हिस्सा थे और जिस तरीके से वो अलग हुए हैं, उसके बाद उनकी सुरक्षा जो है वो एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा उन्हें ज़रूरी जो सुविधा है, ताकि जो गार्ड्स हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, वो उनको मिल सके, इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए। आपको बता दें कि मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं और मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा थे, और अचानक से शिवसेना के ऐलान के दौरान मंच पर उनके लिए अलग से कोई ऐलान नहीं होने के बाद उन्होंने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। उसके बाद तेजस्वी यादव के खिलाफ उन्होंने मंच पर ही मोर्चा खोल दिया और ये कहा कि उनके पीठ में खंजर भोंका गया। इन तमाम चीज़ों के बाद अब पार्टी के लोगों को उनकी सुरक्षा की चिंता सता रही है। लिहाजा पार्टी के जो लोग हैं वो मुकेश सहनी के लिए जो चिट्ठी है वो लिखी है बिहार के मुख्यमंत्री को, और सुरक्षा दी जाने की मांग की है। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मुकेश सहनी की बात बन गई थी, ऐसा दावा उन्होंने किया। लेकिन जब सीटों का ऐलान हो रहा था, सीटों का बंटवारा हो रहा था, तब मुकेश सहनी के लिए कोई अलग से ऐलान नहीं किया गया, जिसके बाद मुकेश सहनी सिरे से उखड़ गए, गुस्से का इजहार किया और वहीं से महागठबंधन से खुद को अलग कर लिया। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब उनकी पार्टी के लोग उनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।